हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 29। बट इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए आप मुझे, क्या अंग्रेज़ी बोलते समय या लिखते समय आपको ऐसा सोचना पड़ा कि अब मैं क्या करूँ, ही लगाऊँ या फिर हिम या फिर हिज, सी लगाऊँ या फिर हर, मी रखना पड़ेगा या फिर माई, अब हर लगाएँ या फिर योर। ऐसा तो आपके साथ हुआ होगा ना कई बार। फ्रेंड्स, अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्या आज का लेसन 29, जहां पर हम देखेंगे केस क्या होता है और इसका इंग्लिश में क्या यूज़ है। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, आपको इसको देखने में लग रहा होगा ना कितनी ढेर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये कैसे समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स, आप देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्टिव, और पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग, केस। इस सब्जेक्टिव के बाद केस को आप जोड़ दीजिए तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कर्ता कारक। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हो जाएगा, कर्म कारक। बात अगर पजेसिव केस की जा रही है तो पजेसिव का मतलब होता है क्या, अधिकार, और केस का मतलब कारक, तो पजेसिव केस का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकार कारक। यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिखा है, पी ए, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पीपी। जहां पर पी का मतलब होगा क्या, पजेसिव, और इस ए का मतलब क्या होगा, एडजेक्टिव, और पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। एक्चुअली केस में ना हम लोग प्रोनाउन की ही बात करते हैं कि कब कौन सा प्रोनाउन किस कंडीशन में किस तरह वर्क करता है, और इसके वर्क को पहचान कर ही हम सही प्रोनाउन ऐड कर सकते हैं। लास्ट मैंने क्या लिखा, यूज ऑफ सेल्फ, जहां पर सेल्फ की हिंदी क्या होती है, स्वयं या फिर खुद। सेल्फ का मतलब स्वयं भी होता है और खुद भी होता है, दोनों में से एक कुछ भी लिख किया जाए, चाहे स्वयं लिखा हो या फिर खुद लिखा हो, दोनों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, सेल्फ लिखना होगा। अब इसको एक एक कॉलम करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आई का मतलब मैंने क्या लिखा है, मैं, मुझे, मुझको और मेरी। इसी तरीके से जो मी था ना उसकी हिंदी क्या लिखी गई, मुझे, मुझको या मेरी। माई का मतलब क्या लिखा मैंने, मेरा, मेरी, मेरे। और ये जो माइन था ना और ये जो माई था, इन दोनों की हिंदी सेम होती है, माई का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे, और माइन का मतलब भी क्या होता है, मेरा, मेरी, मेरे, बट दोनों के यूज में अंतर है। ये हमारा कहलाएगा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि कभी अकेले नहीं आता, इसके ठीक बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। और ये कहलाता है हमारा क्या, पजेसिव प्रोनाउन, जो हमेशा अकेले ही आता है, इसके बाद कोई नाउन कभी भी ऐड नहीं किया जाता। आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेंड्स, एक बात और देखो आप, मैंने यहाँ पर भी मुझे लिखा है, मुझको भी लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा मैंने, मुझे और मुझको। इसी तरीके से यहाँ पर भी मेरे लिखा गया है और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, मेरी। और जितने भी प्रोनाउन लिखे गए हैं उस सब की हिंदी एक दूसरे कॉलम से मैच कर रही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसके काम को पहचानना है कि जो प्रोनाउन यहाँ पर लिखा गया, अगर यहाँ पर मेरे लिखा है, क्या ये मेरे सब्जेक्ट बन के आ रहा है, या फिर इस मेरे से हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बता रहे हैं। अगर यहाँ पर मुझे लेके आया तो मुझे क्या था, हमारा सब्जेक्ट था या फिर ऑब्जेक्ट, जैसा उसका वर्क होगा उसी तरीके का प्रोनाउन आपको यूज कर देना है। अब फ्रेंड्स, हम लोगों ने कैन, कुड, शुड, ये सारे लेसन तो पढ़कर यहाँ पर आए हुए हैं ना, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप उनको देख लीजिए ताकि ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए। एक लेसन मैंने आपको और पढ़ाया था जहां पर हमने बात की थी जब कोई वस्तु हमारे अधिकार में हो, वो लेसन भी तो आपने पढ़ा होगा ना, अगर इन सारी चीजों को आपने पढ़ा है तो ये लेसन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, आपको देखना है कि यहाँ पर चाहे मैं लिखा था, मुझे या मुझको या मेरे, कुछ भी क्यों ना लिखा था, अगर ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें क्या रखना होगा, आई। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता मैं खेल सकता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं था ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई कैन प्ले। यदि मैंने आपसे कहा होता मैं शिक्षक हूँ, तो ये जो मैं था ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई एम अ टीचर। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा होता कि मुझे खेलना चाहिए, तो क्या इस मुझे के लिए आप मी का यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो मुझे था ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट, खेलने का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो जो व्यक्ति काम को करेगा वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो माइंड कीजिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता मुझे खेलना चाहिए, तो इस मुझे के लिए भी हम लोग क्या लगाने वाले हैं, आई, ना कि इसके लिए मी लगेगा, मी का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, हम ऐसा सेंटेंस बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मी शुड प्ली, क्या बोलना पड़ेगा, आई शुड प्ली।
तो कहने का मतलब ये था कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, इनका यूज हमें तभी करना होगा जब सेंटेंस में ये सारे शब्द हमारे क्या बन के आ जाए, सब्जेक्ट। और यू का यूज एक और एक से ज्यादा दोनों के लिए किया जाता है, इस बात को माइंड कीजिएगा। अगर मैंने सिर्फ आपकी बात की होती, यानी आप अकेले खड़े हो, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यू आर अ प्लेयर। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हो जाए तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यू आर प्लेयर्स। इसका मतलब क्या होगा कि आप सभी खिलाड़ी हो या फिर आप लोग खिलाड़ी हो। अगर मैंने आपसे कहा होता दे आर प्लेयर्स, तो हिंदी क्या होगी, वे खिलाड़ी हैं। अगर एक लड़का खड़ा है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ही इज अ प्लेयर। बात अगर लड़की की हो जाएगी तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, शी इज अ प्लेयर। फ्रेंड्स, अब एक बात को हमें और माइंड करना होगा कि कब इस मुझे और मुझको के लिए आई लगाएं, कब इस मुझे और मुझको के लिए मी लगाएं, कब इस मेरे के लिए हमें आई रखना है और कब इस मेरे के लिए हमें माई रखना है, और उसके लिए हम माइंड भी यूज कर सकते हैं। तो माई कब लगेगा, माइंड कब लगेगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको ध्यान से सुनना है। एक सेंटेंस को सुनिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता कि पापा मुझे पढ़ा सकते हैं, तो जो मुझे शब्द था, आप इसकी कंडीशन समझो और बताओ कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या ये सब्जेक्ट बन के आया है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था कि पापा मुझे पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, पापा। और यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट कौन हो गए, पापा। यानी सबसे पहले हमें पापा लिखना होगा, लेकिन इस मुझे की अंग्रेजी बनाने के लिए अब हमें क्या रखना होगा, मी रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे था ना, ये क्या बन के आया हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारे जो शब्द है ना, ये ऑब्जेक्ट बन के आने लगे, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन हमें यूज करना होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का क्या हो जाता है, इट ही होता है, वो नहीं बदलता। तो क्या सेंटेंस था कि पापा मुझे पढ़ा सकते हैं, सेंटेंस क्या बनेगा, पापा कैन टीच मी। और अगर मैंने आपसे कहा होता कि पापा हमें पढ़ा सकते हैं, तो फिर से यहाँ पर आप ध्यान दो कि सब्जेक्ट तो पापा है, लेकिन वो पढ़ाएं किसको, हमें। और हम यहाँ पर क्या बन के आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अस। और सेंटेंस क्या बनेगा, पापा कैन टीच अस। यदि मैंने आपसे कहा होता कि पापा आपको पढ़ा सकते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, पापा कैन टीच यू। और यहाँ पर यू हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। कई लोग बैठे थे और मैंने आपसे कहा कि पापा उन्हें पढ़ा सकते हैं, और जब व्यक्ति एक से ज्यादा हो जाए सब्जेक्ट के रूप में, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, दे। लेकिन दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, देम। तो पापा उन्हें पढ़ा सकते हैं, पापा उन लोगों को पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी कैसे बनेगी, पापा कैन टीच देम। अगर कोई एक लड़का था, मैंने कहा पापा उसे पढ़ा सकते हैं, अगर वो लड़का है तो लड़के के लिए हम तो ही के साथ चलते हैं ना, बट जो ही का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हिम। तो अंग्रेजी क्या बनने वाली है, पापा कैन टीच हिम। और अगर बात लड़की की हो जाए तो सेंटेंस क्या बोला जाएगा, पापा कैन टीच हर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा होता कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो आप ध्यान दो कि इस मेरी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, माई लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उस पुस्तक पर अपना अधिकार बता रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, दिस इज माई बुक। अगर मैंने आपसे कहा होता कि आप मेरी सहायता कर सकते हो, आप मेरी सहायता कर सकते हो, तो सहायता करने वाला कौन हो गया, आप। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आप। लेकिन यहां पर जो मेरी लिखा था, क्या इसके लिए हम माई का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बन के आ रहा था, मेरी यूज करके मैंने किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना अधिकार या कोई संबंध नहीं बतलाया था। मैंने क्या बोला था कि आप मेरी सहायता कर सकते हो, वर्ब क्या थी, सहायता करना, और पूरा ट्रांसलेशन क्या बनेगा, यू कैन हेल्प मी। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है, इस मेरा मेरी मेरे का यूज हमें तभी करना होगा जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से अपना संबंध बदलाएं, और बात अगर संबंध बदलाने की ना हो तो उस मेरा मेरी मेरे के लिए माई या फिर माई का यूज नहीं किया जाता। एक एग्जांपल और देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता कि आप मेरे मित्र हो तो यू आर माई फ्रेंड, आप दौड़ सकते हो यू कैन रन, आप मुझे पढ़ा सकते हो यू कैन टीच मी, और अगर मैंने आपसे कहा होता मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो आई कैन टीच यू हो जाएगा। अगर बात की जा रही क्या, पजेसिव प्रोनाउन की, तो यहाँ पर अधिकार कैसे होंगे ये देखना। अगर मैंने आपसे कहा होता मेरा पेन, तो इस पेन पर मैं अपना अधिकारी तो बता रहा हूँ ना, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, माई पेन। अगर मैंने आपसे कहा होता कि हमारी कक्षा, तो अंग्रेजी क्या बनेगी, अवर क्लास। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा होता कि आपकी कक्षा, तो अंग्रेजी क्या बनती, योर क्लास। अगर मैंने आपसे कहा होता उनकी कक्षा, और इस उनकी से मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो अंग्रेजी क्या बनेगी, देयर क्लास।
कोई एक लड़का था, मैंने कहा उसकी कक्षा तो अंग्रेजी क्या बनेगी, हिज क्लास। अगर लड़की थी तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, हर क्लास। इट को भी मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, तभी जाके बात सामने आने वाली है। अब इन सबको मिला लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि मेरा पेन, तो इस मेरा पेन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माई पेन। सेंटेंस होता कि यह मेरा पेन है तो मुझे क्या बोलना पड़ता, दिस इज माई पेन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पेन है तो क्या इस मेरे के लिए आप आई का यूज करोगे या फिर माई का? आई का यूज किया जाएगा ना, और क्या बोला जाएगा, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो आपको माइंड करना है कि जो मेरा, मेरी, मेरे लिखे हैं ना, इनके ठीक बात कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। बिना नाउन के अगर इनका यूज किया जा रहा है तो उसके लिए हमें माई, अवर या योर का यूज नहीं करना। जैसे अगर मैं आपसे कहता मेरे पास पुस्तक है, तो मेरे के बाद मैंने कोई नाउन नहीं जोड़ा है, क्या जोड़ा है, पास जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव अ बुक। लेकिन अगर मैं आपसे कहता मेरी पुस्तक तो माई बुक, मेरे पिताजी माई फादर, हमारे पिताजी अवर फादर, उनके पिताजी और इस उनके से मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, देयर फादर। आपके पिताजी योर फादर, उसके पिताजी लड़का है तो हिज फादर, और लड़की होती तो मुझे क्या बोलना पड़ता, हर फादर। फ्रेंड्स अब एक बार देख लेते हैं इस माई और माइन में क्या अंतर है, अवर और अवर्स में क्या अंतर है। यानी सबकी हिंदी तो मैंने एक ही लिखी है, इसका भी मतलब मेरा, मेरी, मेरे, और माइन का मतलब भी मेरा, मेरी, मेरे। तो बहुत ही इजी है, आपको समझना होगा। अगर मेरा, मेरी, मेरे के ठीक बाद मैंने कोई नाउन बोल दिया तो उसके लिए मुझे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता यह मेरी पुस्तक है, तो मैंने मेरी के बाद क्या बोला है, पुस्तक। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज माई बुक। अगर मैंने आपसे कहा होता यह हमारी कक्षा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज आवर क्लास। अगर मैंने आपसे कहा होता यह आपकी कक्षा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज योर क्लास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह पेन मेरा है, तो मैंने पेन को अब मेरा के पहले यूज किया है, मेरा, मेरी, मेरे के बाद कोई नाउन नहीं आया, तो इस कंडीशन में सेंटेंस क्या बनेगा, दिस पेन इज माइन। अगर मैंने आपसे कहा होता कि यह पेन आपका है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दिस पेन इज योर्स। अब यहां पर मैं योर का प्रयोग नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये कभी अकेले नहीं आते और ये हमेशा अकेले आता है, इसके ठीक बाद कोई नाउन यूज नहीं किया जाता। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि यह मेरी कुर्सी है, तो दिस इज माई चेयर। और अगर मैं आपसे कहूं यह कुर्सी मेरी है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, दिस चेयर इज माइन। यानी इस कुर्सी पर मेरा पूरा अधिकार है। तो यह यूज किया जाता है अधिकार के लिए, बट ये यूज किया जाता है किसके लिए, पूर्ण अधिकार के लिए। तो माइंड कीजिएगा, ये कभी अकेले नहीं आएंगे और इनका यूज अकेले होता ही है, इनके साथ कोई नाउन नहीं आता। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्या ये सेल्फ क्या है, सेल्फ का मतलब क्या लिखा है मैंने, स्वयं या फिर खुद। आपको यहाँ पर देखना है कि अगर हमने एक व्यक्ति की बात की है, तो वहां पर मैंने क्या लिखा है, सेल्फ। और जैसे ही बात हो जाए इससे ज्यादा व्यक्तियों की, तो वहां पर मैंने इस सेल्फ को प्लूरल बना दिया, एफ को हटा दिया गया है, और एफ की जगह क्या लिखा गया, वीई एस। यानी आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, और हिंदी क्या निकलेगी, स्वयं। आर सेल्फ या अवर सेल्फ, और हिंदी क्या निकलेगी, फिर से वही स्वयं। Yourself, yourselves, उसकी भी हिंदी क्या निकलेगी, स्वयं। Themselves, स्वयं। Himself, स्वयं। Herself, स्वयं। और itself का मतलब भी क्या होगा, स्वयं या फिर खुद हो जाएगा। बट माइंड आपको ये करना है कि एक व्यक्ति था तो मैंने क्या लिखा, सेल्फ, और एक से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करना होगा, सेल्फ का यूज करना होगा। अब आप यहाँ पर देखो कि यू के लिए मैंने योर सेल्फ भी लिखा है, योर सेल्फ लिखा है, क्यों लिखा है, ये सारी चीजों को समझना। अगर मैं आपसे कहता कि मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई कैन लर्न इंग्लिश। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं अंग्रेजी स्वयं सीख सकता हूं, तो अंग्रेजी क्या बनेगी, आई कैन लर्न इंग्लिश माई सेल्फ। अगर मैं आपसे कहता आप अंग्रेजी स्वयं सीख सकते हो और आप अकेले हो, तो यहां पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यू कैन लर्न इंग्लिश योर सेल्फ। लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि आप लोग अंग्रेजी स्वयं सीख सकते हो, तो यहां पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, यू कैन लर्न इंग्लिश योर सेल्फ। क्यों, क्योंकि अब मैं एक से ज्यादा, यानी आप सब लोगों की बात कर रहा था। तो अगर आप अकेले थे तो योर सेल्फ, और एक से ज्यादा हो गए तो योर सेल्फ। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा होता कि हम अंग्रेजी स्वयं सीख सकते हैं, तो अंग्रेजी क्या बनेगी, वी कैन लर्न इंग्लिश आर सेल्फ। अगर मैंने आपसे कहा होता वह अंग्रेजी स्वयं सीख सकता है और कोई एक लड़का है, तो यहां पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ही कैन लर्न इंग्लिश हिमसेल्फ। लड़की होती तो सी कैन लर्न इंग्लिश हर सेल्फ हो जाता। अब एक बार बात फ्रेंड्स करते हैं क्या, इन सारे प्रोनाउंस की एक बार फिर से बात कर लेते हैं।
ये जो जितने भी प्रोनाउंस मैंने यहाँ पर लिखे ना, सबकी हिंदी भले ही अलग अलग लिखी गई है, बट एक कंडीशन आती है जहां पर इन सबकी हिंदी क्या हो जाती है, अपना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं, तो आई कैन कंप्लीट माय होमवर्क। बोला मैंने अपना था, लेकिन इस अपना के लिए मैंने क्या लगा दिया, माय। अगर सेंटेंस होता कि हम अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, वी हो गया ना, और वी का जो अपना है अब वो क्या बनेगा, अवर, और सेंटेंस क्या बनेगा, वी कैन कंप्लीट अवर होमवर्क। अगर मैंने आपसे कहा होता कि मैं अपना होमवर्क कर सकती है, तो बात लड़की की हो गई ना, और सेंटेंस क्या बनेगा, सी कैन कंप्लीट हर वर्क या फिर हर होमवर्क। तो माइंड आपको ये करना है, जब भी बात अपना की हो जाएगी तो आपको देखना होगा किसका अपना, आई का अपना माई, वी का अपना अवर, सी का अपना हर, ही का अपना हिज, और यू का अपना योर, दे का अपना क्या हो जाएगा, देयर। यदि मैंने आपसे कहा होता वे अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, तो दे कैन कंप्लीट देयर होमवर्क, ना कि दे होमवर्क, और ना ही यहाँ पर देयर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लग सकता है, देयर। क्यों, क्योंकि देयर के बाद फिर से आ गया ना यहाँ पर होमवर्क, और ये क्या था, नाउन था। अब फ्रेंड्स एक बार बात इट की कर लेते हैं, तो जो इट था ना, इसका यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, दूरी को बताने के लिए, समय को बताने के लिए, या फिर मौसम के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। छोटे मोटे जो जानवर होते हैं ना, उनके लिए भी हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। ये जो इट होता है ना, ये हमारा सब्जेक्ट भी होता है, और इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा क्या होता है, इट होता है। ठीक इसी तरीके से अगर किसी वस्तु से जुड़ी हुई कोई चीज की बात की जाएगी, तो उसके लिए भी हम लोग क्या, इट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना था कोई कुर्सी थी, मैंने कहा इसके पैर, किसके पैर, कुर्सी के पैर। अगर मेरा पैर होता तो मैं आपसे क्या बोलता, माय लेग। लेकिन अगर बात किसी कुर्सी के पैर की हो जाएगी, तो क्या बोलना पड़ेगा, इट्स लेग। इट्स लेग का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पैर, राइट। और अगर मैंने आपसे कहा इट्स लेग इज ब्रोकन, तो हिंदी क्या निकलेगी, इसका पैर टूटा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसके लिए दिस का, दैट का यूज नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इसका पैर, इसका पैर यानी कुर्सी का पैर, और ये कोई लड़का या लड़की नहीं थी, यहाँ पर हम ही और सी लगा दे, यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इट्स ही लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई चीज है जो अपने आप में सुंदर दिखती है, अगर बात चीजों की हो रही है, यानी वस्तुओं की हो रही है, तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा होता है एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है कि हर चीज स्वयं में सुंदर होती है या फिर दिखती है। तो ये था क्या, केस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने देखा कि प्रोनाउन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस बात को समझना होगा कि कौन सा शब्द किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर वो सब्जेक्ट बन के आ रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट बन के आए तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यदि वो अधिकार की बात कर रहे हैं तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करना होगा। और अगर बात स्वयं की जा रही है, तो आपको देख सकते हो आप यहाँ पर कि आपको इनमें से किसी एक प्रोनाउन का यूज करना होगा। तो आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।